वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है सॉल्यूशन जो टेस्ट सीरीज थी उसका। आपने उसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल से उससे डाउनलोड कर ली होगी और इसको सॉल्व करके देखा होगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो एग्ज़ाम जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी राजस्थान में होने वाली पटवारी एग्ज़ाम, ACF एग्ज़ाम, कंप्यूटर टीचर जो भविष्य में होगी उसके लिए, DSSSB, TGT, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिवैक इज़ ए, यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी यहाँ से। तो यह यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर यूनिवर्सल से आपसे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई थी, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोरेज रिलेटिव। कहने का मतलब है बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर, वो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ALU, उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जो स्टोरेज और रिलेटिव, जो स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर होते हैं, जो कि एक कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये जो ALU और मेमोरी, ये दोनों ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स का आर पूछिए यहाँ पर। तो एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो मेन मेमोरी, मेन टाइप्स जो होते हैं मेमोरी के चिप के कंप्यूटर की, तो उसके अंदर आते हैं दोनों, प्राइमरी मेमोरी चिप और कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर दोनों इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर थे वो जो कौन सी जनरेशन के अंदर यूज आए थे, तो माइक्रो प्रोसेसर जो आए थे वो थर्ड जनरेशन के अंदर आए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इससे कि सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आई थी जो थी वैक्यूम ट्यूब, है ना। सेकेंड जनरेशन के लिए अंदर आए थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन के अंदर आए थे इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको IC बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर आए थे माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आंसर देखिए, थर्ड पे क्लिक कर दिया है गलती से, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो डिफरेंस है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ए है, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये यहाँ पर मेन डिफरेंस नहीं है क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, तो साइज मैटर नहीं करता, कुछ प्रोसेसिंग तो करता होगा ना वो, तो यहाँ पर इसका ए आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, बी, सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये भी इसका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो रिसर्च के लिए यूज आते हैं, ज़्यादातर रिसर्च हो गया या फिर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ को एज फास्ट एज पॉसिबल कर देते हैं, तो उसको यूज आते हैं सुपर कंप्यूटर, है ना। परम में इसका एक एग्जाम्पल है, जिसने साइंटिफिक रिसर्च हो गया चाहे वेदर फोरकास्टिंग, उसमें अपना स्पेसिफिक पर्पज़ को एज फास्ट एज पॉसिबल कंप्लीट करके दिखाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ASCII और एपडिक आर द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। ये दोनों ही जो है वो कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पर एपडिक की आपसे फुल फॉर्म में पूछिए, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। तो यहाँ पर इसका ये आंसर है। अब बात करते हैं एपडिक की, तो ये जो होता है वो ये 8-bit का कोड होता है ना। आपसे पूछ लेता 8-bit, ये एपडिक जो कोड है वो कितने बिट का है, तो उसका आंसर होगा 1-bit का। और यहाँ पर ये जो होता है ये अल्फा और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज आता है। अब यहाँ पर ASCII दे रखा है अपन को, तो ASCII के बारे में अपन यहाँ जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड, एस स्टैंडर्ड
सी से कोड, फॉर है यहाँ पर, ये ध्यान रखें फॉर है यहाँ पर, ऑफ ऑफ दे के आपसे गलती कर लेगा, है ना, फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो आस्की कोड है वो होता है 7 बिट का, और इसके अंदर जो रिप्रेजेंट होते हैं कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा आस्की और एबडिक के बारे में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सीपीयू का जो ब्रेन कहलाता है, तो द ब्रेन ऑफ सीपीयू सिस्टम इज एएलयू, मेमोरी, सीपीयू और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर जो ब्रेन है उसको बोलेंगे अपन सीपीयू। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो आते हैं, देखिए आपको ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है कि सीपीयू, अब यहाँ पे दे दिया आप यहाँ लगाओगे कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो ये आप इससे कन्फ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जो ब्रेन है उसके अंदर सीपीयू के अंदर आती हैं ये, जैसे एएलयू हो गया और मेमोरी हो गई और कंट्रोल यूनिट है ना, ये सब चीज़ें सीपीयू के अंदर आती है, तीनों से मिलकर ये चीज़ बनता है, ठीक है। एएलयू लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो तीनों जो काम मिलके करेंगे तो उस वो कौन से हैं जो ब्रेन के अंदर करेंगे, तो सीपीयू का ब्रेन अपन, कंप्यूटर का ब्रेन अपन सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ सरफेस, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ठीक है, ऑल ऑफ द बो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द बो। कन्फ्यूज कहाँ पे हो सकते थे, ट्रैक्स पर इंच इन ऑफ सरफेस, आप इसमें ये आंसर लगा सकते थे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक जो डिस्क होती है इसके अंदर जो बने होते हैं ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ऐसे, तो ये क्या होते हैं ट्रैक्स हैं, तो ट्रैक्स पर एक सरफेस के अंदर, है ना, एक इंच सरफेस के अंदर कितने ट्रैक्स हैं, मैं आप मार्कर दूसरा यूज़ करके बताता हूँ, है ना, ये एक ट्रैक हो गया, फिर दूसरा ट्रैक हो गया, एक पर्टिकुलर इंच के ऊपर यहाँ पर देखिए ये कितने ट्रैक्स हैं, ये इंच मान लेते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर कितने ट्रैक्स हैं उससे भी डिपेंड करता है, और बिट्स पर इंच इन ए ट्रैक ऑफ ट्रैक, एक ट्रैक में कितनी बिट्स स्टोर हो सकती है उससे भी उसकी ओवरऑल कैपेसिटी डिपेंड होगी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर ट्रैक्स होंगे, जितनी ज़्यादा उसके अंदर बिट पर इंच होगी एक ट्रैक के अंदर, तो उसी से उसकी स्टोरेज डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इसका ये मतलब था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो द टू काइंड ऑफ मेमोरी आर, मेमोरी को मेनली जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो रेम और रोम के द्वारा किया गया था। अब रेम की बात कर रहे थे तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे, तो रेम की होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी। रोम के टाइप मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ई इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब है। द ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा इन कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंस यूनिट आर कैंडल हैंडल डेटा, ये जो सब चीज़ें हैं, एक जो स्टोरेज एरिया जो कि यूज आता है स्टोर करने के लिए डेटा फॉर डिफरेंस स्पीड, कौन सा डेटा कितनी स्पीड पे डिपेंड करेगा स्टोर होगा, इन सबको जो हैंडल करेगा उसको कौन क्या बोलते हैं, उसको क्या मेमोरी बोलते हैं, बफर बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन बफर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी है, आंसर नंबर 10 का आंसर है बी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड ब्रॉड रूम, तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर जो थकान से दूर रहता है, तो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कंप्यूटर की, तो उसी का यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो टायरसम और इस चीज़ से फ्री रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब होता है जो कभी थकता नहीं है। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर बहुत सारे कार्य कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन वर्सेटिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब वह रिलायबल है, कंप्यूटर परफॉर्मेंस करके मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। एक्यूरेसी का मतलब जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको एक्यूरेटली दिए गए हैं तो आंसर भी अपना एक्यूरेट निकालेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 12, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन कंप्यूटर, जैसे अपन ने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं
वो आए थे थर्ड जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब, आपको याद हो गया होगा अब तक। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या आया था? ट्रांजिस्टर्स, याद हो गया होगा। थर्ड जनरेशन के अंदर आए थे क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको अपन बोलते हैं आईसीज। नेक्स्ट बात करते हैं सीडी रोम। सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है? सीडी रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, है ना। तो सीडी रोम इनमें से कुछ भी नहीं है। सीडी रोम क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है एक, ठीक है, जो सीडी होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करिए। अब यहाँ पे मेमोरी और डिस्क में देखिए मैग्नेटिक मेमोरी दे रखा है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो नन ऑफ द बो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल डेटा, रिजेंबल्स एनालॉग डेटा, रिजेंबल्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के जो काम कर सकता है वो कौन से? एनालॉग डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है तो एनालॉग कंप्यूटर के काम भी कर सकता है, और डिजिटल डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है तो डिजिटल कंप्यूटर के काम भी कर सकता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब हो गया रिजेंबल्स बोथ ए कंप्यूटर ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज 8-बिट कोड कॉल्ड एबडिक। तो एबडिक कोड की बात करी थी अपन ने, देखा कि एबडिक कोड जो होता है 8 बिट का होता है, आस्की 7 बिट का होता है। तो ये कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो 8-बिट एबडिक डेटा के फॉर्मेट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 16। द ए एल यू ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, जो ए एल यू है वो जो कमांड कहाँ से आती है उसको प्रोसेस करता है, तो वो कमांड को प्रोसेस करता है कंट्रोल सेक्शन से। जो भी कमांड कंट्रोल सेक्शन देगा, कंट्रोल यूनिट जो देगा उसको ए एल यू एग्जीक्यूट करेगा। ये और ये जो दोनों पार्ट हैं वो हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, जिसको अपन ने कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से चीफ कंपोनेंट थे? वो थे वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, जो वाल्व्स होते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड में सर्किट, थर्ड जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड लाइक टू यूज़। अब इसमें देखिए किसी ने किया होगा कि लेज़र जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, है ना। बट यहाँ पर इसका आंसर होगा प्लॉटर। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एक तो हार्ड कॉपी, RGB मॉनिटर तो क्या होता है मॉनिटर पे दिखाता है, तो सॉफ्ट कॉपी में दिखाएगा, तो यहाँ पर इसका इस वजह से गलत है ये। तो तीसरा बात करें इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, और लेज़र जेट भी ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, तो इसलिए ये कलर फॉर्मेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्लॉटर इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। एक कंपाइलेशन प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ए फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन, नन ऑफ द अबो। इसमें से कौन सा आंसर है, आपने क्या लगाया एक बार बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, ये जो चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेजेज हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो फिजिबिलिटी स्टडी, पहले तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो पहले उसकी स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को अपन उसके अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी होती है, कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेज है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। अब इसकी बात करें तो कंपाइलेशन प्रोसेस है ये की जाती है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, जो कि जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें जो कोड बना होगा उसको कंपाइलर कंपाइल करता है। और ये कंपाइलेशन की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले उसका लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले उसका एनालिसिस होगा, जैसे कोड है इसका पूरा एनालिसिस हो गया एक बार में, फिर इसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि इसके जो सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो उसको बोलेंगे सिंटैक्स एनालिसिस। फिर उसका इसको पूरा जो कोड चेंज करके मशीन लैंग्वेज में कर देंगे तो उसको बोलेंगे अपन कोड जनरेशन, इसका कोड जनरेट कर देंगे। तो ये सब प्रोसेस किसकी है?
वो है कंपाइलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जब बने थे तो उसके अंदर कौन कौन सी आईसी होती थी। आईसी के टाइप देख सकते हैं यहाँ पर, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई। तो एसएसआई की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई की फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई की फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा बोथ डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर एसएसआई और एमएसआई दोनों तरीके के ऐसी आईसी यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये आपको देखिए, आपको अभी तक तो ये कंठस्थ हो गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन कौन कौन सी चीज़ें यूज आती थी। ऐसे अपन रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हो, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। एक डम टर्मिनल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक कीबोर्ड होगा और एक स्क्रीन होगी, उसको बोलते हैं डम टर्मिनल। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिली सेकेंड, जैसे कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो किलोबाइट KBPS करते हैं, KBPS, नेट की स्पीड आती है MBPS, है ना, और GBPS, गीगाबाइट पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड में ये मेजर कर रहा है। तो अपन को जब इस पूछ लेता है जनरली कि मिली सेकेंड में कितने सेकेंड, सेकेंड का कौन सा वा पार्ट होता है, तो 1000वा पार्ट होता है किसके अंदर, 1 मिली सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर इसका सी आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिपेंड इज मेजर्ड बाय। एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किससे मेजर की जाती है, वो डॉट पर इंच की जाती है या डॉट पर इंच या डॉट डॉट्स प्रिंटेड पर इंच टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डॉट पर इंच। एक इंच के अंदर कितने डॉट्स वह प्रिंट करता है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर दी जाती है एक प्रिंटर की क्वालिटी, है ना। और एक जो कंप्यूटर की क्या मॉनिटर क्या की जाती है, उसमें पिक्सल्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब जब हार्ड कॉपी में बात करें, प्रिंटर की जो प्रिंट करता है वो डॉट पर इंच के अंदर करता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर स्पेशल पर्पज़ कौन सा था, उसके अंदर कौन सा है, एनीएक था कि एडवेक था, ऑल ऑफ द वो थे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए बी सी। जो कंप्यूटर बनाया गया था, इस एक स्पेशल पर्पज़ था इसको बनाने का, वो क्या था, 29 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये किसने बनाया था, इसका आंसर है यहाँ पर एंडसॉफ एंड क्लिफोर्ड ने, इसको बनाया गया था इन्होंने। तो ए बी सी, व्हाट इज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय ए बी सी। तो यहाँ पर आ गया, ए बी सी बनाया गया था एंडसॉफ एंड क्लिफोर्ड ने। अब देखिए, अब ये ए बी सी क्या है, ये आप याद कर सकते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस था, इसका नाम क्या था, ए बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। अब यहाँ ऑप्शंस के आधार पर अपन देखेंगे कि मैक्सिमम इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा डिवाइस स्टोर कर सकता है मैक्सिमम डेटा। तो यहाँ पर इसका हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क केवल 1.44 ऐसे MB में डेटा स्टोर कर रख सकती है, ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है CD, वो ज़्यादातर 780 या 800 MB के समथिंग नॉर्मल CD, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। तो इन सब में कंपेयर करें तो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है डेटा। यहाँ पर TB की हार्ड डिस्क आती है। इनमें भी ऐसा नहीं है कि CD ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती, पर इनमें से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम की बात करी जाए तो यहाँ पर हार्ड डिस्क कर सकती है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं कर सकती। मैंने आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर दिया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर कर से रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर वाज कंजर्व्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिड इट्स पेटेंट। तो यहाँ पर एक फर्स्ट कंप्यूटर ऐसा था जिसने जब तक 1973 में क्या उसका कोर्ट ने क्या करा था, उसके पेटेंट को इनवैलिड कर दिया था। तो वो कौन सा था, एनीएक था, ठीक है। ABC के अंदर जान सकते हैं, मार्क वन क्या है, सुपर कंप्यूटर, है ना। ABC अपन ने देखा ही था, एक 29 लीनियर इक्वेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था एंटोसॉफ्ट वगैरह ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ए माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ
माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज, एक फिजिकल कनेक्शन जो कि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के ही अलग पार्ट में जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रेस बस। तो ये एड्रेस बस ये करता है कि फिजिकल कनेक्शन बना देती है जहाँ पर कि डेटा ट्रांसफ़र होता है उसका एड्रेस ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, हाई डेंसिटी डबल डिस्क फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डेटा ऑफ, यहाँ पर ये फ्लॉपी डिस्क की बात करी अपन ने, देखा ना अभी कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा डेटा स्टोर कर रखा था उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वह था हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर सबसे ज़्यादा 1.44 MB का डेटा स्टोर हो सकता है, हाई डेंसिटी डबल्ड साइड जो दोनों साइड से फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर मैक्सिमम 1.44 MB ही डेटा स्टोर होके अपन रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 31, तो ए हाई क्वालिटी कैड, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम यूज इन विच फॉलोइंग प्रिंटिंग विड्रॉइंग एंड ग्राफ्स, ये जो यूज़ किया जाता है वो कौन से सिस्टम कौन से प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डॉट डिजिटल प्लॉटर। ये जो काम करता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के उसमें करता है, हाई क्वालिटी अगर अपन को पेंटिंग ग्राफ्स वगैरह प्रिंट करने हो तो वो डिजिटल प्लॉटर्स के द्वारा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना, ये तो ये रीड कर रहा है तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर क्या करता है अपने अंदर जो भी डेटा हो गया जैसे हार्ड कॉपी होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैनर, तो यह भी एक क्या है इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस क्या करता है, सबसे पहले आपकी आवाज़ लेगा एक माइक के थ्रू, तो वो एक आवाज़ लेके ही तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो वो एक इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा है कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, तो ये क्या है, यहाँ पर ओ से आ रहा है आउटपुट, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बात करें अपन 31, 33, द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट इन टू 16-bit वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली, अब मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16-bit के वर्ड को, तो कंप्यूटर के अंदर कितना स्टोर करके रखेंगे वो एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर के अंदर कितनी डिजिट स्टोर करके रखेगा 16-bit वाला जो अगर कोई नंबर है वर्ड है तो इसका आंसर होगा ए, 16-digit स्टोर करके रखेगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट्स जो कि 16-bit वर्ड को रिप्रेजेंट करे वो 16-digit ही स्टोर करके रखेगा, एक वर्ड का एक डिजिट यहाँ पर स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द IBM PCs CPU डिवाइस ड्राइवर मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल चिप, व्हाट इज द नेम ऑफ बोर्ड, देखिए एक IBM PC के अंदर एग्जांपल दिया है, नॉर्मल IBM PC के अंदर जिसके ऊपर क्या है डिवाइस ड्राइवर भी होता है, डिवाइस ड्राइवर्स मेमोरी भी उसके अंदर हो गया, स्लॉट्स लगते हैं बहुत सारे, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उसको वन बोलते हैं मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसके अंदर हार्डवेयर जो हार्डवेयर बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर सारे डेटा स्टोर रहेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटा स्टोर मतलब उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे होंगे जैसे रैम भी उस पर लगी होगी, प्रोसेसर लग गया है ना, तो उस जो हार्डवेयर डिवाइस है उसको बोलते हैं अपन मदरबोर्ड। नेक्स्ट बात करें अबेकस, अबेकस वो क्या था, अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो था अबेकस, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें लगी होती थी, एक वायर लगा होता था और यहाँ पर अपन ऐसे गोल गोल से होते थे ना बॉल्स वगैरह थी, तो उनसे अपन मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये फर्स्ट अबेकस, तो इसको बोलते हैं अपन अबेकस। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क है वो किसके लिए पॉपुलर है, उसके अंदर कौन किस तरीके का डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपन, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अपन एक्सेस कर सकते हैं बोथ डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं द टेक्निक यूज बाय कोडर टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, अब इसको क्या बोलते हैं, इस जो प्रोसेस जो कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स को, ये जो प्रोसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन है ना, मॉड्यूलेशन बोलते हैं,
पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं इसको, और ये जो की जाती है वो मॉड्यूल मॉडम के द्वारा की जाती है। मॉडम क्या करता है, मॉडम भी काम करता है एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये सब चीज़ें कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडल। अब यहाँ पर इसका क्या कहना है, देखिए एक टेक्निक जो यूज़ कर दी जाती है बाय कोड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इन टू डिजिटल बिट्स स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। नेक्स्ट बात करें रिगार्डिंग ए वी डी यू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वीडियो, वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में क्या चीज़ें सही है, क्या एक पेरिफेरल डिवाइस है या एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो गया सी, यहाँ पर एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस उसको बोलते हैं जो एक्सटर्नल लग रहा है अपने कंप्यूटर में। पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल लगे, पोर्ट में लगे, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो डिस्प्ले यूनिट जो अपन अलग से लगा सकते हैं उसको बोलते हैं वीडीयू। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट मीन्स, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो, उसका क्या मतलब है, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट, जो वो सारे काम कर सकती है, वो इनपुट भी ले सकती है, स्टोर भी कर सकती है, उसके अंदर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, और उसका आउटपुट भी दिखा सकती है। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर ये सारे काम एक ही कंप्यूटर के अंदर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो उसको बोलते हैं अपन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है ना। अब यहाँ पर देखिए और अदर ऑप्शन क्या है, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना, क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो इसके अंदर भी हो जाती हैं। तो यहाँ से इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन ये हो रहा है, फिर आउटपुट निकलता है, तो प्रोसेसिंग इसमें भी हो रही है, तो इससे ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट इसमें है। परफॉर्मिंग रिलेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर सूटेबल कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब कब बनी गई थी, तो वो सबसे पहले बनी गई थी 1906 के अंदर। वैसे तो इसका 1904 है आंसर, कुछ बुक्स के अंदर 1904 है, कुछ में 1906 है, तो यहाँ पर अपन इसको मानेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये सब डेटा यहाँ पर सबसे पास है 1906, तो ये 1906 इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर प्लॉटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो 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 अपन कैड में यूज़ आता था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, है ना, और हार्ड कॉपी में ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से लेने के लिए प्लॉटर ही यूज़ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस जो कि रिप्रेजेंट किसके द्वारा होते हैं, है ना, तो ये बाइनरी वर्ड्स के द्वारा, बाइनरी कोड के द्वारा, है ना, ये रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, एक एप्लीकेशन सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सी, बोथ बी एंड ए, तो इसका मतलब क्या, प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफ्स पेरोल प्रोसेसिंग। एक एप्लीकेशन मान लीजिए कि ग्राफ के ग्रेड्स मतलब किसके कितनी मार्क्स आए हैं उसका अगर प्रोसेसिंग करनी हो, है ना, तो ये स्कूल्स वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है सीरीज में ना होके अब अपन डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक पूरा डेटा की अपन ने, एक बार आपको ढंग से समझाता हूँ, यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर है, मान लीजिए कि टेबल में स्टोर है, अपर सीरियल में तो क्या होगा, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फिर फोर, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा, है ना। अब और सिक्वेंशियल में क्या है, आप डेटा कहीं से भी ले सकते हो, एड्रेस से ले सकते हो, आप चाहो तो इस एड्रेस से ले लो, चाहो तो आप फर्स्ट से ले लो, चाहे लास्ट ले लो, तो ये हो गया सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डेटा को सिक्वेंशियल में प्रोसेस करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ग्रेड वाले सिस्टम में, मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना हो तो रिजल्ट अपन रोल नंबर डाल के देख सकते हैं, तो आपको उसी रोल नंबर का रिजल्ट मिल जाएगा, तो सिक्वेंशियल हो गया। पेरोल का मतलब जिसके अपन सैलरी वगैरह देते हैं ऑफिस में, ऐसा सिस्टम जो पेरोल प्रोसेसिंग का मतलब होता है, जिसके अंदर आपकी पेरोल चेक करी जाती है, तो वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोसेसिंग, एक प्रोसेसिंग नहीं है, इनमें से सब चीज़ें प्रोसेसिंग नहीं है, अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग और गैदरिंग। कंप्यूटर के फॉर्म में, कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं उसके अंदर गैदरिंग जो है वो एक प्रोसेसिंग नहीं होती। गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा होना,
एक साथ होना, उसको बोलते हैं गैदर। जब यहाँ पर कंप्यूटर के फॉर्म में इसको बोलते हैं अरेंज करना, है ना, अरेंज कर देना, या तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, है ना, डेट के वाइज अरेंज करना। आप इसको इस चीज़ से देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर में राइट क्लिक करके अपन देख सकते हैं कि फोल्डर्स वगैरह हैं, तो उसको डेटा है जो भी है उसको, तो अपन क्या करते हैं अरेंज करते हैं। तो और मैनिपुलेटिंग भी और कैलकुलेटिंग भी अपन कंप्यूटर की टर्म में एक प्रोसेसिंग देखी जाती है। नेक्स्ट बात करें, डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, जो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स जो बनाए गए थे वो प्राइमरीली यूएसए में बने गए थे, ठीक है। और यूएसए में अपन देख इसी से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 1980s के अंदर वहाँ पर वो क्या बन गए थे, सुपर कंप्यूटर्स बन गए थे, उससे भी पहले, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बोथ ऑफ अबो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, इनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। कहने का मतलब है, अब यहाँ स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये स्पीड क्या करेगा, अभी आप देखिए ये आंसर तो यहाँ इसी वजह से गलत हो जाएगा कि आप इसका बी आंसर नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कि i1 लग रहा है, i3 प्रोसेसर लग रहा है, ठीक है, और आपके पास 1 GB की रैम है, तो क्या आप उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जैसे कि जिसके अंदर एनिमेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, उसके सॉफ्टवेयर से उसकी कैपेबिलिटीज थोड़ी बढ़ेगी, है ना। तो इंक्रीज द उसकी स्पीड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड नहीं बढ़ सकती उसके सॉफ्टवेयर डालने से। तो यहाँ पर इसका आंसर ये गलत हो गया, तो ये गलत होते ही बहुत बी और सी गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन। एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर मशीन की उसके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टुडे कंप्यूटर जायंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम, वाज द चेंज इन 1924, व्हाट वाज द नेम। अब IBM जिसको आप आजकल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हो, IBM कंपनी जो कंप्यूटर फील्ड में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, फेमस कंपनी है, उसको पहले जब वे 1924 में इसने अपना नाम चेंज करा था, वह तब चेंज करके IBM बनी थी, उससे पहले इसका क्या नाम था, तो इससे पहले इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, इसका ये नाम था। नेक्स्ट बात करें अपन, बिफोर ए डिस्क ड्राइवर कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, एक डिस्क ड्राइवर जो होता है एनी सेक्टर, एक सेक्टर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, ए प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। सबसे पहले उस एक प्रोग्राम होता है जिसको उस डिस्क का एड्रेस देना पड़ता है कि वो जो रिकॉर्ड है वो कौन सी एड्रेस पे वह है स्टोर है। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज एड्रेस स्पेसिफाई, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी इंफॉर्मेशन वो एड्रेस के अंदर रहती है, उसके अंदर रहती है ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर। मान लीजिए एक डिस्क के अंदर कौन से ट्रैक पे, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डिस्क बना के, ये डिस्क है, ये कुछ इसके ट्रैक्स बना दिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। सेकंड नंबर के ट्रैक पर है ना ये सेक्टर्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, यहाँ पर डेटा चाहिए। तो वो डेटा क्या रखेगा, कौन से तो ट्रैक पे है, कौन से सेक्टर पे है ना, और कौन सी सरफेस पे है, तो ये भी उसमें कौन रखेगा, इसको स्टोर करके रखेगा, जब एक क्या एक ड्राइव, डिस्क ड्राइव को अपना डेटा एड्रेस से अपने जब उसको एक्सेस करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। यहाँ पर अपने इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट बात करते हैं, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड, लॉजिकल सिक्वेंस में डेटा को अरेंज करना क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक लॉजिकल सिक्वेंस में, या तो वो अल्फाबेटिकल हो गया, या साइज के अकॉर्डिंग हो गया, या डेट से क्रिएटेड हो गया, ऐसे सिक्वेंस जिसके अंदर कुछ लॉजिक बनता है उसको अरेंज करने का काम करता है, उस प्रोसेस को बोलती है अपन सॉर्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट देखिए आप इसमें, व्हाट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लॉजिकल यूनिट ऑफ द CPU, कंप्यूटर, कंप्यूटर में CPU के अंदर जो लॉजिकल यूनिट होती है उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, तो लॉजिकल यूनिट की क्या प्रोसेसिंग होती है, कंपेयर नंबर्स, प्रोड्यूस रिजल्ट्स, कंट्रोल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डू मैथ्स वर्क, है ना। तो
तो यहाँ पर है कंपेयर, जो लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं, अर्थ कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है ALU, ALU के अंदर जो लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है इसके अंदर। तो ALU के अंदर स्पेशली लॉजिक वाली बात करें तो उसके अंदर लॉजिक का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, तो ये कंपेयर करने का काम जो काम करता है वो होता है लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये तो थे 50 क्वेश्चंस के आंसर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से, और इस वीडियो में इतना ही है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप भविष्य में हम ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।